हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी फ्रेडरिक मिशर के द्वारा ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं क्योंकि इसमें सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक पास करते हैं मतलब ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास करते हैं इन न्यूक्लिक एसिड्स के द्वारा इसलिए हम इन न्यूक्लिक एसिड्स को हेरिडिट्री मटेरियल भी कहते हैं और लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं पहला है डीएनए ये ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं यू में ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं अगर हम प्रो की बात करें तो इसमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में इनक्लोज नहीं होता है क्योंकि प्रो में न्यूक्लियस नहीं होता है दूसरा टाइप का न्यूक्लिक एसिड है आरएनए। ये कई तरह के होते हैं मैसेंजर आर एन ए आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए माइक्रो आर एन ए इनके बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में देखेंगे तो न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका मोनोमेरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स होता है न्यूक्लियोटाइड्स तीन सब यूनिट्स या तीन कॉम्पोनेंट्स के बने होते हैं पहला है नाइट्रोजनस बेस दूसरा है पेंटोस शुगर और तीसरा है एक या एक से अधिक फॉस्फेट ग्रुप्स आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं पहला है नाइट्रोजनस बेस ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक होते, है, होते, है, होते, है, होते हैं प्लेनर होते हैं एरोमेटिक होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं इनमें अमाइनो ग्रुप होता है जो कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर सकता है इसलिए बेस होते हैं और हम इन्हें नाइट्रोजनस बेस कहते हैं ये भी दो तरह के होते हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन प्यूरिन्स ये प्यूरिन्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि दो रिंग्स होते हैं प्यूरिन्स दो तरह के होते हैं एडिनिन और गुआनिन तो ये है एडिनिन केमिकल स्ट्रक्चर इसका केमिकल नेम होता है सिक्स प्यूरिन। ये है गुआनीन का स्ट्रक्चर इसका केमिकल नेम होता है सिक्स ऑक्सी टू प्यूरिन। दूसरे तरह के नाइट्रोजनस बेस है पायरिमिडीन ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक रिंग प्रेजेंट होते हैं यह तीन तरह के होते हैं साइटोसिन थाइमिन और यूरोसिल तो ये है साइटोसन का स्ट्रक्चर इसका केमिकल नेम होता है टू ऑक्सी फोर अमाइनो पायरेमिडीन ये है थाइमीन का स्ट्रक्चर इसका केमिकल नेम होता है फाइव मिथाइल टू फोर डाइ ऑक्सी और यह है यूरोसिल का स्ट्रक्चर जिसका केमिकल नेम है टू फोर डाई ऑक्सी पायरेमिडीन में एडिन गुआनिन साइटोसिन और थाईमीन नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में एडीन गुआनिन साइटोसिन और यूरोसिल प्रेजेंट होते हैं तो आर में थाइमीन की जगह यूरोसिल प्रेजेंट होता है अब है पेंटो शुगर इनका कन्फिगरेशन डी स्टीरियो आइसोमेरिक होता है इनके कार्बन एटम्स को बेस के कार्बन एटम से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्हें प्राइम या डैश मार्क के साथ डेजिग्नेट किया जाता है जैसे कि फाइव डैश फोर डैश थ्री डैश एक्सेट्रा आर में राइबोस शुगर होते हैं और डी में डी राइबोस शुगर होते हैं ये है राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर और ये है डी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है डी राइबोस शुगर में टू डैश कार्बन एटम में ऑक्सीजन एटम मिसिंग होता है इसलिए इसे हम डी राइबोस शुगर कहते हैं अब है न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं तो इस शुगर और बेस के बीच बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है यह पेंटोस शुगर के कार्बन एटम और नाइट्रोजनस बेस के नाइट्रोजन एटम के बीच होता है तो ये है न्यूक्लियोसाइड्स यह पेंटोस शुगर और उसके साथ अटैच्ड है यहाँ पे प्यूरिन यहाँ भी प्यूरिन अटैच है और यहाँ पायरेमिडीन अटैच है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के अलोंग नाइट्रोजनस बेसिस फ्रीली रोटेट कर सकते हैं अब चूंकि प्यूरिन में दो रिंग्स होते हैं इसलिए फ्रीली रोटेट करने की वजह से इसके दो कन्फर्मेशन होते हैं यह है एंटी कन्फर्मेशन और ये है सिन कन्फर्मेशन यहाँ पायरिमिडिन भी इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अलोंग फ्रीली रोटेट करता है लेकिन इसमें एक ही रिंग होते हैं इसलिए इसमें इस तरह के दो कन्फर्मेशन नहीं पाए जाते हैं अब नेक्स्ट लेवल है न्यूक्लियोटाइड्स ये न्यूक्लियोसाइड्स के फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है एस्टर बॉन्ड के द्वारा तो न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट और हमने पहले देखा कि न्यूक्लियोसाइड शुगर और बेस के बने होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने, बने होते हैं शुगर बेस और फॉस्फेट यह है न्यूक्लियोटाइड यह है पेंटोस शुगर जिसके साथ बेस अटैच होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा और इसके फाइव डैश कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है इनके बीच एस्टर बॉन्ड होता है अब इस फाइव डैश कार्बन के साथ एक दो या तीन ग्रुप्स अटैच हो सकता है जिन्हें हम अल्फा बीटा या गामा से डिनोट करते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के जो है आरएनए और डीएनए लेकिन ए टी पी एडिनोसिन ट्राईफोसफेट और जी टी पी गुआनोसिन ट्राईफोसफेट के फॉर्मेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि सेल का एनर्जी करेंसी होता है साथ ही ये कुछ को एनजाइम्स के भी प्रशर होते हैं जैसे एन ए डी प्लस निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एन ए डी पी प्लस निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एफ एडी फ्लैव डाई न्यूक्लियोटाइड और को ए अब इसके बाद दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स का कंडेंसेशन होता है और ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच फोस्फोडाइस्ट बॉन्ड बनता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है ये बनता है एक न्यूक्लियोटाइड के फाइव डैश हाइड्रोक्सल ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थ्री डैश हाइड्रोक्सल ग्रुप के बीच इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और इस पॉलियो न्यूक्लियोटाइड की डायरेक्शनैलिटी होती है फाइव डैश टू थ्री डैश तो ये है एक न्यूक्लियोटाइड ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड इनके बीच कंडेंसेशन रिएक्शन होता है इस न्यूक्लियोटाइड के फाइव डैश ग्रुप और इस न्यूक्लियोटाइड के थ्री डैश ग्रुप के बीच फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और फिर फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है और पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन जाता है और जो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है वो थ्री डैश एंड पे होता है ये है पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जिसमें कि शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है थ्री डैश एंड पे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन जाते हैं इसकी डायरेक्शनालिटी क्या है फाइव डैश से थ्री डैश ये पॉली न्यूक्लियोटाइड का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फॉस्फेट और शुगर चेन इसके बैकबोन कहलाते हैं या बैकबोन बनाते हैं फर्दर क्या होता है कि एक या एक से अधिक पॉली न्यूक्लियोटाइट स्ट्रांस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें कि हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं जैसे अगर हम डीएनए की बात करें तो इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स कहलाता है डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपस में एंटी पैरल होते हैं तो डीएनए में इस तरह के दो स्ट्रैंड्स होते हैं लेकिन ये एंटी पैरल होते हैं अगर एक स्ट्रैंड का फाइव डैश टू थ्री डैश इस डायरेक्शन में होता है तो दूसरे स्ट्रैंड का फाइव डैश टू थ्री डैश इस डायरेक्शन में होता है और दो स्ट्रांस के बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसमें दो स्ट्रैंड आपस में कोइल्ड होते हैं ग्रीन कलर से जो स्ट्रैंड दिखाया जा रहा है वो फॉस्फेट शुगर बैकबोन है साथ ही रेड और ब्लू कलर के जो लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शाता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच होते हैं तो नाइट्रोजनस बेस के बीच जो पेयरिंग होती है वो चारागॉस रूल को फॉलो करता है एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है और इनके बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है और इनके बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है डीएनए में टोटल अमाउंट ऑफ एडिनिन और गुआनिन इक्वल होता है टोटल अमाउंट ऑफ साइटोसिन और थायमिन के लेकिन साइटोसिन और गुआनिन का परसेंटेज अनइक्वल होता है एडीन और थायमिन के परसेंटेज के एडिन रेजिड्यू का जो अमाउंट होता है I mean के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब अगर डीएनए में अगर एडिनियन रेजिड्यू का अमाउंट बढ़ता है तो थाइमिन रेजिड्यू का भी अमाउंट बढ़ेगा या वाइस वर्सा होता है उसी तरह गुआनिन रेजिड्यू का अमाउंट भी साइटोसिन रेजिड्यू के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू